स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और मजे में होंगे। तो यार आज की हमारी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने लगी। उससे पहले मैं अपना बारे में बता दूं कि मेरा नाम है जासे। और गाइस मेरा नाम है बालाज। तो आज की जो हमारी वीडियो है बरसाना होली टूरिस्ट प्लेस, तो इंटरेस्टिंग वीडियो होगी जनसे भाई। आपको मैं बताते चलूं, मतलब होली आने लगी है करीब 28 और 29 को, यानी के संडे और मंडे को पूरे इंडिया में होली है, लेकिन वृंदावन में अभी से स्टार्ट है होली। वहाँ कृष्ण जी पैदा हुए थे तो वहाँ तो रंगों की बरसात हो रही है। होली के बारे में तो आपको पता ही होगा, मतलब कलर वगैरह। हाँ, कलर काफी, मतलब मूवीज में भी देखता रहता हूँ। होली इनका बड़ा कलरफुल त्यौहार है, मतलब हर जगह कलर ही कलर होते हैं। बुरा ना मानो होली है और फेंक डालो। हाँ तो वैसे बंदे ऐसे परमानेंट कलर किसी पे फेंक दिए, वैसे किसी ने फेंका है यार आज तक कमेंट सेक्शन में बताओ। मतलब फेंकती होंगे ना यार, होली के डेज पे कौन बुरा मानता है। मतलब होली का डेज इनके लिए मतलब नहीं बहुत है, परमानेंट कलर फेंक दे तो घर आके उसका बेड़ा गर्क हो जाना, वो तो रगड़ रगड़ के उतरेगा नहीं। वो नहीं परमानेंट कलर नहीं फेंकते होंगे यार होली के दिन। वो किसी का दिल नहीं तो खाते होंगे, मतलब होली के दिन खुशियों का दिन होगा तो वो लाजमी बात है कि वो स्पेशल होली के लिए कलर आते हैं वही होते होंगे। मतलब व्हाइट ड्रेस अक्सर पहना है, ज्यादा व्हाइट ड्रेस पहनते हैं ना होली पे। न्यू ड्रेस व्हाइट पे कलर नजर भी आते हैं ना दूर से, शोगल मेला सही। हाँ जब खासतौर पर वो कलर जब ऊपर फेंकते हैं कितना मजा देता है। हाँ मजा देता है। और स्पेशली अच्छा पानी वाले भी होते हैं, मतलब पानी में मिक्स पानी में फुहारे डाल के काफी सारे त्योहार आते हैं यार इंडिया में। बरसाना होली मतलब बरसाना टूरिस्ट प्लेसेस है तो काफी अच्छी जगह होगी। अच्छी जगह होगी क्योंकि व्लॉग नए आ रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा, मजा आएगा। अच्छा होली का हमें पता नहीं है कि यार होली मनाई क्यों जाती है, आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये हमें जरूर बताएं। बाकी की बातें बाद में करेंगे यार, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भगवान श्री कृष्ण के पहले आता है राधा जी का नाम, राधा जी का नाम, और राधा जी की नगरी है बरसाना। अच्छा राधा जी की नगरी, जहाँ की होली पूरे विश्व भर में मशहूर है। तो आइए घूमते हैं बरसाना, आइए घूमते हैं बरसाना और क्या फैंटास्टिक प्लेस है यार, थोड़ी सी होली। अरे कलर पूरा ना मानो होली है। हर कलर है। अच्छा ये आई थिंक राधा जी है, कृष्णा जी का नाम है। तो पानी पे भी कलर, हर जगह कलर है। सुभान गुप्ता प्रेजेंटेशन स्पीड यार इनके चैनल को सब्सक्राइब। अभी सुबह सुबह के 6 बज रहे हैं और कन्हैया जी मुझे लेके चल पड़े हैं बरसाना नंदगांव की तरफ। अभी ये जो हाईवे आप देख रहे हैं ये आगरा दिल्ली हाईवे है और लगभग 50 किलोमीटर आई थिंक पड़ता है। हाँ बरसाना लगभग, बरसाना लगभग 50 किलोमीटर मेन मथुरा से पड़ता है। तो बस चल पड़े हैं और सुबह सुबह की ठंडक में थोड़ी सी ठंडी लग रही है पर मज़ा भी आ रहा है, मज़ा भी आएगा। 50 किलोमीटर है, चलो इसी बहाने आज बरसाना की सैर कर लेंगे। बरसाना की सैर कर लेंगे। बाकी मथुरा से बरसाना के लिए आपको बस या शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी जिससे आप 2 घंटे में बरसाना पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है गाड़ियों के पीछे लटक लटक के जाना, ये इस चीज का अपनी ही एक लेवल है। रास्ते में मुझे प्राचीन सिद्ध हनुमान जी का टेम्पल दिखा जहाँ सुबह की आरती हो रही थी। माना जाता है कि यहाँ के दर्शन मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। सुबह की आरती। जय। मथुरा से जब आप गोवर्धन की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में रास्ते में एक राइट हैंड पे रोड जाती है और वो रोड आपको बरसाना की तरफ ले जाती है। और ये रोड भी बहुत शानदार है, आप देख रहे होंगे दोनों तरफ खेत है और रोड तो एकदम, मतलब अभी सुबह सुबह का टाइम है तो शांत दिख रही है और काफी अच्छी कंडीशन भी है रोड की। तो इसी रोड से अब मैं धीरे धीरे बढ़ूंगा बरसाना की तरफ। रास्ते में गोवर्धन पर्वत भी पड़ता है जहाँ पर श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए थे और यहाँ की परिक्रमा करने की बड़ी मान्यता है जिसके लिए हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और यहाँ घूमने के लिए भी आपके पास एक दिन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी कई सारे मंदिर हैं और यहाँ पर परिक्रमा भी होती है, गंगा जल और ये सब कुछ। लगभग 1.5 घंटे में मैं बरसाना पहुंच गया
जो एक साधारण सी दिखने वाली जगह थी, लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा गांव भी नहीं था और थोड़ा डेवलप भी था। यहाँ बड़ा सा बस स्टैंड था और ठीक ठाक सी खाने पीने की दुकानें भी थी। सुबह सुबह का टाइम है, इतनी भीड़ भी नहीं है ना। होली स्टार्ट हो गई। स्कूल जा रहे हो आप लोग? सब लोग आ रहे हो या जा रहे हो? जा रहे हैं। किस क्लास में हो सब लोग? थर्ड। ओ, थर्ड तक में है। और ये छोटे छोटे लाल गोपाल? लाल गोपाल पीजी। और बू एक में? अच्छा, वो एक में। बू एक में? बू एक में। एग्जाम देने? एग्जाम देने जा रहे हो आप लोग? सबकी प्रिपरेशन हो गई बढ़िया? व्लॉग तो गुड, अभी अच्छे से देना सब लोग। कोरोना की वजह से हमारे तो यहां स्कूल क्लोज है। ये अभी चालू बरसाना की सबसे मशहूर प्लेस है राधा रानी मंदिर, और यहीं पर दर्शन करने भक्त दूर दूर से आते हैं। बरसाना में राधा जी का जन्म हुआ था और यहां पर होली, राधा अष्टमी और जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधा रानी का मंदिर का स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर दिखता है और बरसाना की सड़कों से ही आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये हाइट पर है, टॉप ऑफ माउंटेन पे है ना। मंदिर तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक पैदल रास्ता जिससे आपको आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, और अगर आपके पास बाइक है तो गांव से होते हुए आप टेंपल तक पहुंच सकते हैं। ये वाला रास्ता है सारी। राधा रानी मंदिर पे मैं आ चुका हूँ और ये थोड़ी हाइट पर है, ये बैक साइड में आप देख रहे होंगे। अभी गेट पर हूँ मैं बाहर, और कुछ अगर आप फूल माला लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं, और फिर उसके बाद अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। कन्हैया जी, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया। अब ये आप बताइएगा, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, वाकई में मुझे भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मंदिर लगभग 250 मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ पे आपको जो मंदिर दिखेगा, अभी तो ये काफ़ी कंस्ट्रक्शन इसका अच्छे से हो गया है, पर जब आगे का हिस्सा आप देखेंगे तो आपको वो पुराना लुक जो है वो दिखेगा। और ये उधर की तरफ मैं जा रहा हूँ। यहाँ मंदिर लगभग 8:30 बजे सुबह ओपन होता है और भक्त यहाँ धीरे धीरे पहुँचने लगे थे। राधा रानी के इस प्रांगण में होली वगैरह का जो सेलिब्रेशन होता है पूरा यहाँ पे होता है, और यहाँ से आपको पूरे बरसाने का नज़ारा दिखेगा। बरसाना में होली की मेन डेट से लगभग 8-9 दिन पहले ही होली शुरू हो जाती है, और शुरुआत होती है लड्डू होली से। फिर अगले दिन होती है लठमार होली, और इसके अगले दिन नंदगांव में लठमार होली होती है, और फिर हर दिन होली का कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहता है होली के अगले 3-4 दिन तक। लेकिन यहाँ पर होली में थोड़ी सावधानी भी रखें, क्योंकि यहाँ उस टाइम काफी भीड़ भाड़ होती है और कई शरारती तत्व भी होते हैं, इसलिए अगर लेडीज या बच्चे साथ में हैं तो थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। आंखों में रंग न जाए इसके लिए चश्मे का यूज करें, और भीड़ की वजह से चोट लगने का भी डर होता है। लेकिन ऐसा यहाँ हर जगह नहीं होता, और बहुत प्यार के साथ भी यहाँ होली खेली जाती है, जिससे यहाँ की होली पूरे दुनिया में मशहूर है। मंदिर ओपन हो चुका है और ऊपर की तरफ अब मैं बढ़ रहा हूँ। जय उनका ऊंचे ऊपर जाने के बाद भी मतलब जय राधा रानी की जय लाडली महारानी।
राधा रानी को राजी कर लिए तो कृष्ण राजी हो जाते हैं ना, इसलिए उनका नाम पहले लिया जाता है। आरती हो चुकी है और दर्शन भी मैंने कर लिया है और जितने भक्त हैं अभी दर्शन कर रहे हैं। और ये जो एरिया है यहाँ पर होली वगैरह होती है और यहाँ से आपको नज़ारा भी बहुत अच्छा दिखेगा। ये पूरे बरसाने का आप यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं और मुझे तो यहाँ पर काफ़ी सुकून मिल रहा है। और इस जगह पे होली में होली वगैरह खेली जाती है। बाकी इस जगह पर आकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको भी कैसा लगा है और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। राधा रानी मंदिर के पास में ही कुशल बिहारी जी का मंदिर भी है और आप यहां पर बहुत कम राशि देकर स्टे भी कर सकते हैं। अच्छा होटल भी है साथ में। इन दिनों लोगों ने रुख कर दिया होगा ना इस जगह का। जैसे कि वो बता रहे हैं 8-9 दिन पहले यहाँ स्टार्ट हो जाती है। बरसाने में राधा रानी का मंदिर तो मशहूर है ही, लेकिन टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसके बाद ये प्लेस और भी फेमस हो गई और काफ़ी लोग अगर यहाँ नहीं आए तो मैं बता दूँ ये जो घर है यहाँ पर ही शूटिंग हुई थी, जहाँ पे भूमि पेड़नेकर रहती थी उनका घर था। ये आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का, यहीं पर शूट हुआ था मूवी का। और ये भी मतलब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। जब आप राधा रानी टेम्पल की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ही गली में टर्न लेंगे तो आपको थोड़ा ही आगे बढ़ते हुए ये टावर दिखेगा और इसी टावर के पास ही ये घर है। फेमस हो गया ना ये जगह। शूटिंग हुई थी और एक मतलब फील आता है ना कि अगर आप किसी ऐसी प्लेस पे जाते हैं। अक्षय कुमार वाला फील आ रहा है। राधा रानी मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर कीर्ति मंदिर भी है और इसे देखना आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आर्किटेक्चर कमाल का है। कीर्ति मंदिर राधा रानी की मां कीर्ति का देश का पहला मंदिर है और ये मंदिर 2019 में ही बनकर तैयार हुआ है। कीर्ति मंदिर की नींव 2006 में कृपालु महाराज द्वारा रखी गई थी। वृंदावन का प्रेम मंदिर आपने देखा ही होगा, लेकिन उसी की तरह लगभग उसी के स्ट्रक्चर में रंगीली महल कीर्ति मंदिर है जो कि बरसाने में है। और ये आप देख के समझ ही गए होंगे कि कितना खूबसूरत है ये टेंपल, जो इसका कॉम्प्लेक्स है प्रेम मंदिर से इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन जो मंदिर में नक्काशी है वो लगभग उसी तरह की है। हालांकि अंदर से जाएंगे जब आप देखेंगे तो आपको और भी ये मंदिर प्यारा लगेगा। कीर्ति मंदिर में आपको कुछ झांकियां भी देखने को मिलेंगी। बरसाना में आपको कोई भी बड़े लग्जरी रेस्टोरेंट्स नहीं दिखेंगे और आप नॉर्मल प्लेसेस पर नॉर्मल रेट्स में खाना खा सकते हैं। ऐसी जगह खाने का अपना मजा होता है। नेचुरल सब कुछ सामने बनता है, हर चीज फ्रेश होती है। अच्छा बरसाना से मैं नंदगांव के लिए निकला जो कि बरसाना से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। नंदगांव छोटी सी जगह है और यहाँ पर भी मंदिर जाने के दो रास्ते हैं। अगर आप बाइक कार या बाइक है तो मंदिर के पीछे का रास्ता पूछ लें, जिस रास्ते में आपको भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग्स दिखाई देंगी। और यहाँ से मंदिर काफी पास भी है। यहाँ पर छोटी सी पार्किंग है जिसके बाद आपको केवल 1 से 2 मिनट पैदल चलना होगा, जबकि मंदिर के मेन रास्ते से आपको 1.5 से 1 किलोमीटर चलना पड़ सकता है।
नंदगांव में मैं अभी आया हूँ मंदिर के पास और मेरे यहाँ पे व्यूअर्स मुझे मिले हैं और काफी एक्साइटेड है। बहुत, मेरा दिल तो धड़क रहा है, जैसे धड़क रहा है। क्या बोले, कल हम देखे थे इनको वृंदावन में, नहीं मिले ये चले गए थे, लेकिन अब मेरा अभी गला थरथरा रहा है। और भी मुझे मतलब बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। आप लोग कोलकाता से? हम लोग कोलकाता से। कोलकाता से भी यहाँ पे सोचिए इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बाकी बिहारी जी की कृपा है, आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। मुझे फैन मिली है। ये वाली जो फीलिंग होती है ना, इतना जबरदस्त, मतलब सब कुछ देख के ऐसा दिल करता है। एक मतलब विजिट जो है इंडिया का करना चाहिए यार, काश हम आ सकते वहां। नंद बाबा मंदिर, अच्छा छोटे मंदिर नहीं है यार, सारी टोटली आई थिंक बड़े मंदिर। नंद बाबा मंदिर में आप सभी का स्वागत है। ये जो पूरा प्रांगण देख रहे हैं ये मंदिर का है और यहाँ पे होली में ऊपर से यहाँ रंग वगैरह डाला जाता है और इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। कन्हैया जी गोकुल छोड़ के यहाँ पर आए थे और राधा जी का यहाँ पे ससुराल भी कहा जाता है, तो ये जो जगह है वो काफ़ी आपको अच्छी लगेगी और काफ़ी इसकी मान्यता भी है और काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए हर रोज आते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है यार, ये जगह काफी इंफॉर्मेशन मिल गई है ना। नेक्स्ट वीडियो यार हमारी वृंदावन पे आएगी, हमें बहुत तेजस्वी से वृंदावन देखने का, वो भी देखिएगा। ये क्या चीज है? ये पेड़ा है, ये रबड़ी है। रबड़ी यहाँ पे मैंने रबड़ी ली है और खाने का टाइम हुआ, वैसे में पानी आ रहा है। कितने की है? 20 रुपए की है, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं आप, अच्छी लगेगी। बरसाना में रहने के लिए अच्छे होटल्स की कमी है और ज्यादातर नॉर्मल गेस्ट हाउस ही हैं, या फिर काफी सारे लोग यहाँ कुछ आश्रम में भी रहते हैं। जनरल टाइम में तो यहाँ होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन होली के टाइम यहाँ होटल पूरे फुल हो जाते हैं, इसलिए पहले से बुकिंग एडवांस में ही बुक करके रखें। आप चाहें तो यहाँ मॉर्निंग में पहुँच कर इवनिंग में वापस मथुरा भी जा सकते हैं, लेकिन होली का मेन फंक्शन दोपहर से शाम या रात तक चलता रहता है। यहाँ होली के समय 2-3 दिन से ज्यादा भी रुक सकते हैं, लेकिन जनरल टाइम में सुबह जल्दी पहुँच कर और यहाँ प्लेसेस घूमकर सेम डे में मथुरा वापस आ सकते हैं। वैसे यहाँ होटल्स आपको 700 रुपए से 1000 रुपए में मिल जाएंगे, लेकिन पीक टाइम में कॉस्टली भी मिल सकते हैं और मील्स पर आपका 400 से 500 रुपए पर डे खर्च आ सकता है। बस होली के टाइम यहाँ पर कई जगहों पर भंडारे भी चलते रहते हैं, जबकि ट्रांसपोर्टेशन पर आपका एक दिन का 100 रुपए तक का खर्चा आएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी प्लेसेस आसपास में ही हैं। मतलब आप यहाँ होली के टाइम तो 2 दिन के लिए 2 से 3 हजार रुपए पर पर्सन खर्च करके घूम सकते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज में बिना यहाँ स्टे किए 500 रुपए में भी घूम सकते हैं। वैसे होली के टाइम किसी आश्रम में रुकते हैं तब भी आपके काफी पैसे बच जाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना यार। इंटरेस्टिंग है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो किया होगा हमने इनका चैनल हो रहा है, लेकिन जबरदस्त व्लॉग थे लास्ट टाइम देखा यार, मतलब राधा जी जहाँ मतलब पैदा हुए हमने देखा, नेक्स्ट टाइम वृंदावन देखेंगे, ससुराल देखा, काफी जबरदस्त मतलब। और मतलब यार टूरिस्ट इंटरेस्टिंग जगह थी, स्पेशल होली के जो वो दिखा रहे थे क्लिप्स, इन दिनों तो रौनक लगी होगी वहाँ, लोगों मतलब आना स्टार्ट हो गए होंगे जैसे उन्होंने दिखाया है। इंटरेस्टिंग तो जैसे होली की मतलब लाइव वीडियोस तो आती होंगी, मतलब आती होंगी, काफी बड़े बड़े फंक्शन होते होंगे जिस तरह से मतलब कॉन्सर्ट वगैरह किए जाते हैं, इस तरह का मतलब होली के अगर कम्प्लीट कोई वीडियो हो तो हमें जरूर बताइए, जरूर बताइएगा। तो यार बहुत ही मजा आया देख कर, मतलब कम्प्लीट वो मतलब सादा से लोग दिखाए, उन्होंने कहा कि बड़े रेस्टोरेंट नहीं होते, ऐसी जगह का जो खाना होता है ना, ढाबे वगैरह जिन्हें हमारे यहाँ कहते हैं,
इनका अपना ही मजा होता अपना है, मजा अपना ही मजा होता है। मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब ये ऐसे लोगों के लिए मतलब एक अच्छा रोजगार है, अच्छा रोजगार। मतलब ये टूरिस्ट जाते हैं करते हैं तो ये वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि उनके पास और सरमाया नहीं होता, यही दिन होते हैं जहाँ पे उनके कमाने काम हो जाते हैं और पूजा भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है वो पार्क। और मजा पूजा पाठ भी इसी में ही ना, आप देखो टूरिस्ट की वो खिदमत करते हैं उनको, मतलब मुनासिब दाम पे वो लोग खाना पीना दे रहे हैं, जगह भी मुनासिब दाम पे, जैसे काफी मतलब लो रेट है यार, लो रेट है तो मतलब उस हिसाब से ये भी उनकी एक पूजा ही है, पूजा ही खिदमत करना, खिदमत करना। तो यार बहुत ही जबरदस्त किस्म की कितनी अच्छी अच्छी, मतलब चलो शोगल मेला भी था बीच में कुछ, एंड में जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है ये बहुत, मैं कह रहा हूँ अच्छी चीज है, काफी लोगों को नहीं पता होता कि कितना खर्चा हो गया मंदिर। तो यार उसमें मैं तो वैसे ही मतलब इंडिया के आर्ट का तो फैन हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी आर्ट जो है उनके मंदिरों की तो आउट क्लास। राम मंदिर जो बन रहे हैं इंडिया में यार, कितना बड़ा राम मंदिर, अच्छा वो अभी जो दिखाया इस तरीके से मंदिर काफी जबरदस्त, अच्छा टॉप पे भी, ऊपर से उसकी मंदिर की खूबसूरती ना और बढ़ जाती है जब वो टॉप पे बना माउंटेन, पूरा जो है ना बरसाना है वहां से टॉप से नजर आ रहा था। अच्छा मतलब राधे जी, हमें नहीं पता था वीडियो के स्टार्ट में कि राधा जी की मतलब बर्थ प्लेस है ये, वो जगह नहीं पता थी। तो नेक्स्ट वीडियो यार हमारी वृंदावन पे आएगी, क्योंकि वृंदावन भी हमने सुना है काफी प्यारा है, तो मजा आएगा, वो वीडियो भी आप हमारे साथ देखिएगा और इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं यार अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।